हेलो, वेलकम बैक। टीएनडी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक मैं देखने वाला हूँ वो टॉपिक होगा सर इंडक्टेंस कैलकुलेशन इन अनइक्वल स्पेसिंग। इक्वल स्पेसिंग का हमने पर कंडक्टर आपको निकाल के दिखाया था कौन वैल्यू इंडक्टेंस कैलकुलेशन का। नाउ अगर अनइक्वल स्पेसिंग होगा तो क्या होगा, और इसी के लिए ट्रांसपोजिशन हम सीखते हैं। तो चलिए हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। ओके, नाउ सर ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के अंदर हमारा नेक्स्ट है इंडक्टेंस कैलकुलेशन इन अनइक्वल डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है सर, आइए एक बार समझते हैं इसके बारे में कि कोई कंडक्टर एक यहाँ है, ओके, दूसरा यहाँ है और नेक्स्ट वन यहाँ है। सो अनइक्वल डिस्टेंस कैसे समझिएगा सर, इसके बीच का डिस्टेंस डी है, इसके बीच का डिस्टेंस डी है, लेकिन इन दोनों के बीच अगर देखूँ तो सर डी तो नहीं है ना, ये तो 2D है, ज़्यादा है। ओके, सो अनइक्वल डिस्टेंस के बीच आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे सर बात करूँ अब कंडक्टर का, तो एक कंडक्टर ये रहा, दूसरा कंडक्टर ये रहा, तीसरा कंडक्टर ये रहा, 3 कंडक्टर है जो इस तरीके से। नाउ इनमें सर देखिए इनके बीच डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ डी है, इनके बीच भी डिस्टेंस सर डी है, लेकिन इन दोनों के बीच अगर देखा जाए तो सर क्या है 2D। अगर मैं इक्वल डिस्टेंस की बात करूँ तो दोनों में डिफरेंस तो 2D का हो जाएगा। नाउ सर यहाँ पे बात करूँ इनके कंडक्टर्स की, सो ये कंडक्टर को मानता हूँ ए, इस कंडक्टर को मानता हूँ बी, इस कंडक्टर को मानता हूँ सी, सब में करंट आई फ्लो कर रहा होगा। ओके, नाउ सर यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि इन दोनों के डिफरेंस डिस्टेंस को अब मैं जो बोलूँगा ना, इस तरह के डिस्टेंस को मैं यहाँ पे बोलता हूँ डी ए बी। ओके, जो न्यूमेरिकल में यूज करूँगा मैं, ओके डी ए बी, इसको मैंने बोला वहां तो डी डी करके यूज किया, पर यहाँ पे डी ए बी यूज करके बोलूंगा। आई होप डी के मतलब से आपने समझ गया कि ये डबल डी होगा और एक सिंगल डी होगा। ओके, नो सर समझिएगा, इसको बोल दूं सर डी बी सी, तो इसको क्या बोलूंगा सर, इसको डी ए सी बोलूंगा। ओके, ये डिस्टेंस होगा। सो ये क्या है, 3 फेज थे, 3 वायर सिस्टम थे, उसमें अलग अलग का डिस्टेंस हमने लिखा। यहाँ से आप समझ सकते हो कि एक ये डी है, ये डी है, तो 2D है। यानी अगर डी ए बी का मान डी है, इसका मान डी है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, डी ए सी का मान 2D। ओके, या इन दोनों का सम हो जाएगा। ओके, ना सर यहाँ पे अगर पूछा जाए अब आपको कि टोटल इंडक्टेंस ऐसे कंडक्टेंस में क्या निकलता है, हमने कंडक्टेंस का वैल्यू भी निकाल देना है, लेकिन ध्यान रखिएगा सर यहाँ पे इससे बचने के लिए हम कुछ और उपाय का जुगाड़ करते हैं, क्यों ऐसा होता है इसकी भी चर्चा होगी। सर सबसे पहले एक बार और मैं आपको बोलूँ कि 3 फेज, ध्यान समझिएगा सर, एक फ्लैश बैक में ले जाता हूँ पहले के क्वेश्चन में, 3 फेज इक्वल 3 वायर सिस्टम में इक्वल अगर लेंथनिंग पे था तो वहाँ पे आपके वैल्यू जो निकले थे एल इक्विवेलेंट के क्या निकले थे सर, एल जो है टोटल नहीं, पर फेज कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। मान लो इसको ए बोला, इसको बी और इसका सी, सो एक कंडक्टर एल ए, यानी पर कंडक्टर इंडक्टेंस का वैल्यू क्या था सर, म्यू नॉट म्यू आर बटा 2π एल एन डी बटा आर वन डैश, यही वैल्यू था सर हमारा, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी था। ये ध्यान रखना, हमेशा पर फेज कंडक्टेंस इंडक्टेंस हमेशा पूछता, मोस्टली क्या पूछता सर आपसे, पर फेज इंडक्टेंस। ये अगर मैच कर लेना इन वैल्यू को, हमेशा मैच कर लेना, ध्यान रखना। और इसका यूनिट हमेशा किसमें मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, हेनरी पर मीटर, मोस्टली आपको हेनरी पर मीटर, अदरवाइज सर यूनिट कभी भी चेंज करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने सब डाटा आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बताया था। सो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए इस टाइप के कि सर ये R1' जहाँ पे R1' क्या होगा सर, R टोटल एक रेडियस है, यहाँ पे सबका रेडियस अगर R मान लिया गया तो R(e^-1/4 हो सकता है। तो आप इसका वैल्यू भी कैलकुलेट करना, शायद 0.78 होता है इसका वैल्यू, आप इसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, e^-1/4 का वैल्यू क्या होता है, तो वो कर सकते हो, दिस ये भी कर सकते हो। अगर ऐसा है तो मैं कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ एक बार आपको, एक सेकेंड, अगर इससे निकल जाए, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, अगर ई इनवर्स का वैल्यू निकल जाए e^(पावर कहाँ से इसका ले लूँ, -1/4,
देख लेना, यहाँ तो वैल्यू दे रहा है 679, यहाँ जो वैल्यू दे रहा है ना वो दे रहा है 60.679 ओके इनटू आर, ये भी हो सकता है R1 का वैल्यू, अगर यही निकल रहा है एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेना, हो सकता है कि इसमें एरर भी दे सकता है, क्योंकि ये जो मैं ई टू द पावर का वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, पर मैं जो किया हूँ यही निकला 0.69, यानी 0. आप कह सकते हो सर R1 का वैल्यू वो होगा सर 0.68 इंटू आर इंटू रेडियस, कंडक्टर का रेडियस, ये भी हो सकता है। ओके आइए सर, आइए मैं बात कर लूँ एक बार कि यहाँ पे इस कंडक्टर में इंडक्टेंस कैलकुलेशन इन अनइक्वल डिस्टेंस में किस तरीके से करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए सर। सो यहाँ पे मैं जब भी इसके बारे में चर्चा करूँगा सर, तो L जो इसका निकलेगा ना कंडक्टर का, सो क्या हो जाएगा सर यहाँ पे म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ध्यान से समझिएगा सर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर हर कंडक्टर के बारे में बात होगी इंटू 2 पाई एल एन, ध्यान से डी सर, अब ये सारे वैल्यू आएंगे डी ए बी इंटू डी बी सी, क्योंकि सबका वैल्यू अलग अलग रहेगा, इसका सेम तो इसका अलग, और डी ए सी ओके बटा आर वन डाइस तो रहेगा ही। और सर एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा सर, इनके पावर क्या हो जाएंगे 1/3, इनके पावर क्या हो जाएंगे 1/3, ये भी ध्यान रख रहा है। ये अगर एल ए को बोलूं तो एल बी का केस ऐसा ही होगा, एल सी का केस इस तरीके से होगा। सो इंडक्टेंस का कैलकुलेशन आप इस तरीके से करते हैं सर, इंडक्टेंस का कैलकुलेशन सर इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे एल का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके आइए सर, सो एल का वैल्यू इसके अंदर इस तरीके से निकलता है 9, ये तो है अनइक्वल डिस्टेंस के रिगार्डिंग, क्या हुआ सर अनइक्वल डिस्टेंस के रिगार्डिंग कि एल इस तरीके से निकलता है 9। अगर ऐसे ट्रांसमिशन लाइन में होते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस होता है तो ट्रांसपोज क्यों किया था, अब मैं बताऊं सर आपको, अगर अनइक्वल डिस्टेंस में होता तो कंडक्टर को क्या किया था, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना, बस आपको फॉर्मूला रखना है कि एक्चुअली एल का वैल्यू दिस होगा, तो इस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे सर इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे सबका रेडियस इक्वल लिया, मोस्टली हमेशा रेडियस सेम ही रहता है, यहाँ इसका रेडियस R1 है, इसका भी रेडियस R1 है सर, इसका भी रेडियस क्या है R1, तीनों का रेडियस हमने क्या लिया सर सेम, जहां पे तीनों का रेडियस क्या लिया सर सेम। सो इंडक्टेंस कभी भी निकालना हो म्यू नॉट म्यू आर बटा 2 पाई इंटू एल एन, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू का पावर 1/3, और यहाँ पे R1 डाइस क्या हो जाएगा R1 डाइस। सर यहाँ पे एक चीज और ध्यान से समझिएगा, आपको अनइक्वल डिस्टेंस के लिए मैं बता रहा हूँ सर, अनइक्वल डिस्टेंस के लिए इसको रफ ही कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ। चलिए सर यहाँ पे समझिएगा एक बार इसके रिगार्डिंग क्या होता है, जब जब भी अनइक्वल डिस्टेंस मिले, अनइक्वल डिस्टेंस का जब भी आपको ट्रांसमिशन लाइन का होता है तो क्या किया जाता है, ध्यान रखिएगा ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस से, सपोज दैट 3 वायर सिस्टम है, ध्यान से समझिए सर 3 वायर सिस्टम है, अगर पटना से दिल्ली इस टाइप का वायर आपको भेजना पड़ेगा, अगर आप बात करो पटना से दिल्ली इस टाइप का ट्रांसमिशन लाइन अगर भेजना पड़ेगा तो सर ऐसा कभी नहीं भेजा सकता कि अनइक्वल डिस्टेंस के तीनों वायर पटना से दिल्ली तक चला जाए, इसको जब भी भेजना अगर होगा, इसको जब भी भेजना होगा तो ध्यान रखिएगा कैसा भेजा जाता है, इसको कभी प्रिफ्रेंस नहीं दिया जाता, ऐसा तो ट्रांसमिशन लाइन भेजा ही नहीं जाएगा, तो कैसा भेजा जाएगा सर, इसको भेजने के लिए सर इसको तीन हिस्सा कर दें आप, मैं बताता हूं अभी समझ जाइएगा आप लोग, तीन हिस्सा करिए, एक हिस्से में ये ऐसे अगर जाएगा, दूसरे हिस्से में ये ऐसे जाएगा, और सर थोड़ा सा ऐसे करके देता हूं, दूसरे हिस्से में ये ऐसे जाएगा और सर तीसरे हिस्से में ऐसे जाएगा, वायर को ऐसे नहीं भेजा जाता स्ट्रेट लाइन में, क्यों ऐसा होता है मैं बताता हूं अभी। नेक्स्ट सर वायर को नेक्स्ट अगर यहां से ऐसे भेजा गया, यहां से ऐसे भेजा गया, ये से भेजा जाएगा तीसरे सिस्टम में, नेक्स्ट सर यहां से मैं बात करूं ऐसे भेजा गया, नेक्स्ट कंडक्टर को ऐसे भेजा जाएगा और नेक्स्ट कंडक्टर को इस तरीके से भेजा जाता, वेट अ सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको ऊपर करना था, आइए 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 इसको ऊपर करना था, यहाँ पे एक लाइन ये पकड़ चुका है, ये पकड़ चुका है, ये कहाँ जाएगा सर ऊपर वाले लाइन में, और ये कहाँ चला जाएगा सर
यहां से आएगा और ये इस लाइन को ओबे करेगा। ओके नाउ कभी भी सर ट्रांसमिशन लाइन को अगर भेजा जाएगा तो तीन सेगमेंट देख लीजिए, टोटल अगर लेंथ यहां से यहां एल होगा, टोटल लेंथ यहां से एल होगा तो ये एल बाय थ्री, क्यों ऐसा होता है मैं बताता हूँ, एल बाय थ्री, एल बाय थ्री के सेक्शन में भेजना पड़ता है। यानी कभी भी कंडक्टर को यहां से, यहीं से शुरू होता है सर ट्रांसपोजिशन। क्या होते हैं जब, क्या होता है थ्री फेज सिस्टम के अंदर, थ्री वायर सिस्टम के अंदर मैं देखता हूं कि इंडक्टेंस का वैल्यू, इसका इंडक्टेंस का वैल्यू, इसका इंडक्टेंस का वैल्यू और इसका इंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा और इसका कम होगा और इसका भी कम होगा। रीजन क्या होता है यहाँ पे समझिए सर, रीजन क्या होता है कि इस कंडक्टर को लिंकेज फ्लक्स ये भी करेगा, इस कंडक्टर को लिंकेज फ्लक्स ये भी करेगा, इसके लिए तो बस यही लिंकेज फ्लक्स होगा नियर बाय, ये से बहुत कम कर पाएगा इस पे इफेक्ट। सो बीच वाले में लिंकेज फ्लक्स ज्यादा होगा, तो लिंकेज फ्लक्स ज्यादा तो इसका मतलब इंडक्टेंस ज्यादा, और इंडक्टेंस ज्यादा तो सर इसका क्या होगा सर, एक्सएल का वैल्यू ज्यादा। क्यों? क्योंकि एक्सएल का फॉर्मूला होता है 2πfL। अगर एल का वैल्यू ज्यादा तो सर रिएक्टेंस का वैल्यू ज्यादा, सर रिएक्टेंस ज्यादा तो इसका मतलब अगर मैं कहता हूं यहां से वोल्टेज V1 भेजा गया, मैं बोलता हूं एक लेट्स एग्जाम्पल सर देखिएगा, एकदम बारीकी से इस चीज को समझिएगा, सर यहां से वोल्टेज 10 kV भेजा गया, यहां भी इस वायर में 10 kV भेजा गया और यहां भी सर 10 kV भेजा गया। अगर वायर को अनइक्वल डिस्टेंस के रूप में ही रखा जाए तो आपको पता है एल का वैल्यू इंडक्टेंस यहाँ का कम, सो यहाँ का इंडक्टिव रिएक्टेंस कम और यहाँ का भी सर इंडक्टिव रिएक्टेंस कम, लेकिन बीच वाले का ज्यादा। इसका मतलब इस लाइन में जो आपको रिसीविंग एंड पे मिलेगा, अगर आप पटना से दिल्ली तक भेजते हो तो रिसीविंग एंड पे जो मिलेगा, हो सकता है इस वायर का वोल्टेज आपको 9 kV मिले। ओके यहाँ भी आपको सर 9 kV मिले, समझिएगा एकदम बारीकी से सर, लेकिन सर इस वायर पे जो मिलेगा वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा क्योंकि इसका रिएक्टेंस ज्यादा है, हो सकता है कि आपको 7 kV मिले, हो सकता है यहाँ पे कितना मिले सर 7 kV। सो ये एक ड्रॉबैक है कि नहीं, कहीं पे रिसीविंग एंड में वोल्टेज 9 kV मिल रहा है 9, और यहाँ क्या मिल रहा है सर आपको 7 kV है। सो 7 kV मिल रहा है, ये एक ड्रॉबैक है, बिग ड्रॉबैक है। इसीलिए अनइक्वल डिस्टेंस को कभी भी, अनइक्वल डिस्टेंस को कभी भी स्ट्रेट लाइन में हम फॉरवर्ड नहीं करते, कभी प्रीफर नहीं करते। सो इस कंडीशन में इसको बचाने के लिए, इक्वल करने के लिए, यानी इंडक्टेंस का वैल्यू इक्वल हो जाए और हमारा रिएक्टेंस का वैल्यू इक्वल हो जाए, ताकि जो भी वोल्टेज मैं भेजूंगा ए बी और सी लाइन में सेम वोल्टेज यहां मिले, हम इसको कर देते हैं सर ट्रांसपोज। क्या करते हैं सर ट्रांसपोज, इसका मतलब है समझिएगा, इसी को बोला जाता है ट्रांसपोजिशन, ध्यान से समझिएगा सर, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ लाइन्स, इसी को बोला जाता है ट्रांसपोजिशन। मतलब कंडक्टर के एक बार इस लाइन में, एक बार इस लाइन में, चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट इसके बाद एक बार इसके साथ ऐसा रहेगा, एक बार इसके साथ इसके दोनों के साथ रहेगा, एक बार इसका इसके साथ रहेगा, इसको कर देते हैं ट्रांसपोज। सो आपको सर कहीं देखने को भी मिलेगा, मैं आपको दिखाऊं एक इमेज के थ्रू ट्रांसपोजिशन किस तरीके से सर दिखेगा आपको, ये देखिए यही है ट्रांसपोजिशन, ये देखिए सर क्या हुआ, एक वायर जो आ रहा था अब यहां से, ये इंसुलेटर के थ्रू, इधर का तीनों सेक्शन अलग है, इधर का तीनों सेक्शन अलग है, लेकिन सर यहां से देखिएगा मैं एक चीज दिखाऊं आपको, यहां से देखिएगा इस वायर का कनेक्शन सर कहां कर दिया गया, इधर है ना। अब देखिए जैसे इस वायर का कनेक्शन किधर कर दिया, इधर, और इस वायर का कनेक्शन क्या किया, ये एक जगह इन्होंने ट्रांसपोज कर दिया सर, है ना, फिर आगे जाएगा फिर इसका ट्रांसपोजिशन किया जाएगा। ओके सो इस तरीके से ट्रांसपोज करते हैं ताकि इक्वल इंडक्टेंस इफेक्ट हो जाए हर वायर पे, और उसके तरीके से क्या हो, हर जगह बैलेंस हो और इक्वल रिएक्टेंस हो, ताकि जितना वोल्टेज एक एंड पे सब कंडक्टर पे मिल रहा है वैसा ही दूसरे एंड पे आपको मिलेगा। ओके सो इसी को ट्रांसपोजिशन कहते हैं, आई होप चीजें क्लियर हो चुकी होगी। एक तो आपको सबसे पहले इंडक्टेंस का कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला रहता है, हर जगह आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको एक डायरेक्ट वैल्यू पता होना चाहिए इंडक्टेंस का किस तरीके से होता है कैलकुलेशन, इस तरीके से होता है सर कैलकुलेशन। नाउ सर अब है कि इससे बचने के लिए, इंडक्टेंस से कैलकुलेशन जब मैं करता हूँ तो देखा गया कि ये जो होता है एक तरीके से अलग अलग कंडक्टर पर अलग अलग इंडक्टेंस क्रिएट हो जाता है, इससे बचने के लिए हमने क्या करना होता है ट्रांसपोजिशन करना होता है सर, क्या करना होता है सर ट्रांसपोजिशन। सो हम ऐसे करते हैं, अब मैं सीखूंगा एक्चुअली ट्रांसपोजिशन के बारे में एग्जैक्ट क्या होता है, आइए सर ट्रांसपोजिशन के बारे में एग्जैक्ट क्या होता है। ट्रांसपोजिशन इन ट्रांसमिशन लाइन,
ट्रांसमिशन लाइन में सर ट्रांसपोजिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन में सर ट्रांसपोजिशन क्या होता है? आइए सर, आपको पता है इंडक्टेंस का वैल्यू जो होता है सर, वो मोस्टली जो यूनिट होती है हेनरी पर मीटर में यूज करते हैं अपन। क्या करते हैं? हेनरी पर मीटर, या फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन भी जब भी होए तो सर हेनरी पर किलोमीटर के रूप में यूज करते हैं, है ना। 1 किलोमीटर में एक कंडक्टर का इतना इंडक्टेंस है, तो उसी के अकॉर्डिंग हर जगह होना चाहिए। आइए समझते हैं सर। सपोज दैट एक कंडक्टर लिया हमने ए, एक कंडक्टर हमने लिया सर ए, ओके ए। दूसरा कंडक्टर भी हमने लिया बी, तीसरा कंडक्टर लिया हमने सी। पर यूनिट लेंथ में सपोज दैट कितने दूरी के लिए लिया हमने? 1 किलोमीटर के लिए लिया हमने। लिए क्या लिया सर? 1 किलोमीटर के लिए। टोटल अपने को 3 किलोमीटर तक जाने, कितना? 3 किलोमीटर तक जाने दूरी तक, समझिएगा सर। 3 किलोमीटर तक अगर वायर को भेजना है, पहले 1 किलोमीटर तक मैं मानता हूं कि इस कंडक्टर पर जो आपका वैल्यू है इंडक्टेंस का, सपोज दैट वो है 10 हेनरी पर किलोमीटर। ओके, 10 हेनरी पर किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर की दूरी के लिए मैं पर किलोमीटर हटा दूं, तो इस 10 हेनरी हुआ। कंडक्टर ए पे कितना हेनरी है सर? 10 हेनरी डेवलप हो रहा है। कितना सर? 10 हेनरी, क्योंकि पर एक ही किलोमीटर की चर्चा कर रहा हूं, तो 1 हेनरी हुआ यहाँ, 10 हेनरी हो गया 1 किलोमीटर। ओके सर, आइए मैं बोलूं बी कंडक्टर पे जो इंडक्टेंस डेवलप हो रहा है, बी कंडक्टर पे सर जो इंडक्टेंस डेवलप हो रहा है वो फॉर्मूले के थ्रू हो रहा है। इसका मतलब सर यहां पे मैं बात करूं, हो सकता है 15 हेनरी डेवलप हुआ। कितना सर? 15 हेनरी डेवलप हो रहा है। और सी वायर पे सपोज दैट हमारा 12 हेनरी डेवलप हो रहा है पर किलोमीटर। कितना? पर किलोमीटर। आइए सर मैं इसके कलर को भी चेंज कर दूं, एक इसमें ऐसे कलर दे देता हूं ताकि आपको पता रहे, दूसरे में ऐसा कलर दे देता हूं, तीसरे में ऐसा कलर दे देता हूं। चलिए सर आप समझिएगा सर यहां पे। अब अगला जो नेक्स्ट किलोमीटर होगा ना सर, नेक्स्ट जो किलोमीटर होगा, ध्यान समझिएगा, नेक्स्ट किलोमीटर फिर आगे नहीं बढ़ाऊंगा, नेक्स्ट किलोमीटर सर इसका ट्रांसपोज कर दूंगा। ओके, अब इसका कंडक्टर ऊपर और नीचे वाले दोनों से लिंक हो जाएंगे। यहां पर तो एक ही जगह लिंक हो रहा है, सो यहां इंडक्टेंस कम हुआ, यहां पे दोनों जगह लिंक हो जाएगा। इस कंडीशन में इंडक्टेंस का वैल्यू इसका राइज कर जाएगा नाउ। और तीसरे किलोमीटर के रेंज में थर्ड किलोमीटर जो जाऊंगा उसका लेंथ ऐसा कर दूंगा। ओके, ट्रांसपोज कर दिया, एक बार वायर ऊपर गया फिर बीच में फिर नीचे कर दिया, है ना। थोड़ा अच्छे से कर दूं इसको, क्लियर है। चलिए सर नेक्स्ट, दूसरा ब्लू है हमारा, ये वैल्यू है, तो इसको क्या करूं सर? इसको इस तरीके से मैं कर सकता हूं, एक एक बार इसके साथ ज्यादा लिंक होगा और नेक्स्ट नेक्स्ट सर ज्यादा लिंक यहां होगा। नेक्स्ट 1 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर का दायरा बना रहा हूं अभी। नेक्स्ट सर दूसरा कंडीशन है, इसके साथ ज्यादा लिंक कम लिंक है, अब इसको ऊपर कर देता हूं, अब यहां लिंक देखता हूं इसका, है ना, और फिर इसको बीच में एक बार कर देता हूं। एक बार इसके साथ लिंक कर दिया, एक बार इसके साथ लिंक कर दिया, एक बार इसे कर दिया, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। अब समझिए, जहां पे यहां पे रहने पे इसका 10 हेनरी इंडक्टेंस होता था सर, अब बीच में आके हो गया इसका ज्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं सपोज दैट आप ये रखो
इसका 15 हेनरी हो गया, क्योंकि ये दो लाइन से लिंक होगा। इसका फ्लक्स, इस पे जो फ्लक्स इसका भी पड़ेगा, इसका भी लिंकेज बढ़ जाएगा, सो इंडक्टेंस आपका वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगा। नौ यहाँ पे आएगा, वैल्यू घटेगा, तो सपोज दैट आपका यहाँ पे 12 हेनरी हो जाए, इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 12। सिमिलरली सर मैं इस वाले की बात करूँ तो ये घट के हो सकता है कि 10 हेनरी हो जाए। ये घट के कितना, इसका नेक्स्ट एक किलोमीटर पे कितना हो जाए सर, नेक्स्ट एक किलोमीटर की दूरी पे कितना हो जाए 10 हेनरी, और जब ये टॉप पे जाएगा तो हो सकता है सर इसका कितना हो जाए 12 हेनरी। ओके 12 नेक्स्ट एक किलोमीटर की दूरी के लिए कितना हो जाए सर 12 हेनरी, ये भी ध्यान रखना है। इसको और सीधा कर सकते हो आप लोग, है ना, यहाँ पे ऐसे दिखेगा ये। ओके ये आपको लगता होगा थोड़ा आगे चला गया, ठीक है। नेक्स्ट सर मैं बात करूँ, नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर इस कंडक्टर की, अगर यहाँ पे अगर इसमें 12 हेनरी है तो हो सकता है ऊपर गया तो यहाँ पे 10 हेनरी होगा, कितना 10 हेनरी, और जब ये बीच में आ गया तो हो सकता है कितना सर, यहाँ पे कह सकते हो सर 15 हेनरी, कितना हो गया सर 15 हेनरी। ओके 15 हेनरी। सो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ना सर, हर कंडक्टर पे टोटल इंडक्टेंस कितना, टोटल जब इंडक्टेंस देखेंगे हर कंडक्टर पे, अब देखिए क्या हो जाएगा। एक एक किलोमीटर की चर्चा हमने कर लिया, एक एक किलोमीटर पर किलोमीटर, ओके हर एक किलोमीटर, ऐसे 3 किलोमीटर कितने हो हेनरी हो गए। सो मैं बोलूंगा एल ए इंडक्टर का, एल ए इंडक्टर का टोटल, एल बी का टोटल और एल सी का टोटल इंडक्टेंस कितना है। आप इंडक्टेंस देखोगे सर, इंडक्टेंस यहाँ पे देखोगे तो ए वाले कंडक्टर पे 10 हेनरी, 15 हेनरी प्लस 12 हेनरी, कितना है सर 10 प्लस 15 प्लस 12 हेनरी। सो टोटल हेनरी कितना हो गया सर, टोटल कितना हो गया, आप करोगे 25 12 37 हेनरी, कितना दिखाया सर 37 हेनरी। और एल बी की बात करूं सर, एल बी की बात करूं, बी पे 15 10 और 12, 25 12 37 सर, यहां भी 15 10 प्लस 12, सो टोटल कितना हो गया सर 37 हेनरी, टोटल कितना हो गया सर 37 हेनरी। नौ एलसी, यहाँ एलसी के बारे में 12 हेनरी सर, 10 हेनरी और यहाँ 15, 12 10 15, नेक्स्ट बताऊं सर 12 प्लस 10 प्लस 15 तब भी कितना हो गया सर 37 हेनरी, कितना हो गया 37 हेनरी। सो हर कंडक्टर पे इक्वल इंडक्टेंस का वैल्यू आ गया सर, हर कंडक्टर पे क्या हुआ इक्वल इंडक्टेंस का वैल्यू आ गया। इनसे अगर समझना है सर, अब ये देखिए इसका मतलब हर कंडक्टर पे रिएक्टेंस कितना, इसका मतलब आप सर ये कह सकते हो इस कंडीशन में एक चीज तो तय हो गया सर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सएल किसका सर ए का, एक्सएल सर किसका बी का, सर एक्सएल सी कंडक्टर का, सबका इक्वल नहीं हो जाएगा, सबका इक्वल तो नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इंडक्टेंस इक्वल है और 2πfL फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी सबके लिए सेम, सो इंडक्टेंस सेम। सो अगर मैं इस कंडक्टर में भेजूं यहां पे सपोज लेट्स एग्जांपल के लिए, लेट्स एग्जांपल के लिए 10kV वोल्टेज, ओके यहां पे 10kV वोल्टेज, यहां पे 10kV वोल्टेज, यहां पे तो सर यहां पे जो आपको फाइनली मिलेगा रिसीविंग एंड पे, अगर मान लो ड्रॉप हुआ कुछ तो 9kV वोल्टेज आपको सर यहां मिल जाएगा, 9kV वोल्टेज सर आपको यहां मिल जाएगा और 9kV वोल्टेज सर यहां मिल जाएगा, आपको क्या होगा सर इस तरीके से सेम वोल्टेज का प्रोफाइल मिल जाएगा। सेम कहने का मतलब जितना भी ड्रॉप हुआ ट्रांसमिशन लाइन में सब यूनिफॉर्मली होगा और सब में कितना मिल जाएगा सर 9kVA का। सो इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, आपने देखा ये कि क्या होता है, वायर को एक फिक्स सर्टेन डिस्टेंस पे, वायर को एक सर्टेन डिस्टेंस पे क्या करते हैं सर ट्रांसपोज कर देते हैं, कनेक्शंस इंटरचेंज करते हैं, जिससे कि इंडक्टेंस का वैल्यू सेम आता है और उसके थ्रू उसका रिएक्टेंस का वैल्यू सेम आता है, तो सेंडिंग एंड पे से जो भेजा जाता है और जो रिसीविंग एंड पे मिलता है उसमें वोल्टेज, जो रिसीविंग एंड पे हर वायर में जो मिलेगा वो वोल्टेज का लेवल सेम मिलेगा, चाहे बीच में कुछ का ड्रॉप क्यों ना हो जाए। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज इन ट्रांसमिशन लाइन, इसी को बोलते हैं सर ट्रांसपोज इन ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसपोज इन ट्रांसमिशन लाइन। आई होप आपने समझ लिया होगा इंडक्टेंस कैलकुलेशन इन अनइक्वल डिस्टेंस, इन अनइक्वल डिस्टेंस इस तरीके से पूछा निकाला जाता है, जबकि ये टोटल वैल्यू के लिए टोटल इंडक्टेंस इस तरीके से हम निकालते हैं सर, टोटल इंडक्टेंस इस तरीके से निकालते हैं, लेकिन आप समझ सकते हो इसका अनइक्वल होने के कारण इंडक्टेंस का वैल्यू अलग अलग होगा, इसका अनइक्वल होने के कारण सर इंडक्टेंस का वैल्यू
अलग अलग होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, इंडक्टेंस कैलकुलेशन में हम इंडक्टेंस अलग अलग दिखा सकते हैं। ओके, नाउ हमारा ये टारगेट था कि इसमें ड्रॉबैक क्या आया, अनइक्वल होने के कारण आपने देखा कि इक्वल नहीं वोल्टेज प्रोफाइल मिल पाता है ना। सो अब मैं आप इसको डिफाइन कर सकता हूं। अब आप इसको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे ना। ट्रांसपोजिशन, इन थ्री वायर सिस्टम व्हेन अनइक्वल डिस्टेंस मेंटेन्ड बाय कंडक्टर देन इट हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इन कंडक्टर। सो रिसीविंग एंड वोल्टेज प्रोफाइल is different in all conductors, so to overcome this, we transpose of conductor। क्या करते हैं सर, यहां पे ट्रांसपोज किया था। क्या किया था सर? ट्रांसपोज। मेन रीजन क्या है कि वोल्टेज प्रोफाइल आपको रिसीविंग एंड पर सिमिलर नहीं मिल पाते। ओके, सिमिलर नहीं मिल पाते, इसीलिए अपने को क्या करना पड़ता है सर, ट्रांसपोज करना पड़ता है। ध्यान रखना, कहीं पे इंडक्टेंस का वैल्यू अगर बढ़ गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका रिएक्टेंस कैसे बढ़ेगा, क्योंकि 2πfL बढ़ गया। ओके, सो FL बढ़ गया तो इससे क्या हो गया, आपका XL बढ़ गया। सो वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो I into XL होता है। ये ड्रॉप बढ़ा तो वोल्टेज ड्रॉप ट्रांसमिशन लाइन में बढ़ जाता है सर। क्या होता है सर? वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, ये इंडक्टेंस क्यों बढ़ा, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, बढ़ जाता है। कौन से कंडक्टर में सर? बीच वाले में। कैसे सर? क्योंकि देखिएगा, इसका भी फ्लक्स जाएगा। ओके, इसका अपना भी फ्लक्स होगा और इसका भी अपना फ्लक्स होगा। ऐसे कंडीशन में देखिए, ये दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं, एक इसका भी फ्लक्स से और सर एक इसका भी फ्लक्स से। सो यहाँ फ्लक्स लिंकेज इस वाले कंडक्टर में ज्यादा होता है। फ्लक्स लिंकेज ज्यादा तो इंडक्टेंस ज्यादा तो उसका रिएक्टेंस ज्यादा। सो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे ज्यादा हो जाता है बीच वाले वायर में। ओके, इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है सर, ट्रांसपोज करना पड़ता है। इसीलिए ट्रांसपोजिशन करना पड़ता है। आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, हर एक का कैलकुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो आप समझ जा रहे हो अनइक्वल डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है। ये सफिशियंट है, यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए हमने शुरुआत से कैलकुलेशन किया है, वही आपके लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट सर, ट्रांसपोजिशन के मेथड क्यों किया गया, ट्रांसपोजिशन किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर करते हैं, और ये हमारा हमने एक वैल्यू बताया हर किलोमीटर पर। अगर ये वैल्यू दे रहा है कंडक्टर लिंकेज होने के कारण, सो यहाँ क्या देगा, यहाँ क्या देगा, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ओके, मिलते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।